हाय राम बच्चों, कैसे हैं आप? कल जो पढ़ाया था उसका अभ्यास किया आपने? जरूर किया होगा, है ना? चलिए आज हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 बार ओमकार करेंगे। चलिए मेरे साथ ओमकार कीजिए। साई राम। चलिए बच्चों, हम बहादुर बित्तो पाठ पढ़ रहे हैं ना। कल तक हमने उसके काफी सारे अभ्यास हल कर लिए थे। अब आज बचे हुए अभ्यास हल कर लें। आज के जो अभ्यास हैं वो अधिकतर जो हैं वो आपको किताब में ही करने हैं, ठीक है? एक आध अभ्यास है जो आपको कॉपी में करना है, बाकी सारे अभ्यास आपको किताब में ही जगह छूटी हुई दी गई है उसमें आपको वो भरना है, ठीक है? चलिए पहला अभ्यास देखते हैं आज, ठीक है? ये देखिए, पहला है राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो, ठीक है? अब हम देखें कौन कौन से शब्द हैं। हाँ चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। ये देखिए, पहला है रोज। रोज मतलब, रोज के दो अर्थ होते हैं। रोज मतलब एक तो होता है प्रतिदिन, जिसे इंग्लिश में हम डेली भी कहते हैं, है ना? और रोज मतलब गुलाब का फूल भी होता है ना? तो पहला नुक्ते वाला शब्द है रोज। आइए दूसरा देखते हैं। फौरन, फ के नीचे नुक्ता लगा है, ठीक है? फौरन मतलब तुरंत। तीसरा शब्द है सिर्फ, इसमें भी फ के नीचे नुक्ता लगा है, सिर्फ केवल, है ना? अगला शब्द है तरफ, इसमें फ के नीचे नुक्ता लगा है, तरफ, ठीक है? तरफ मतलब अपन बोलते हैं ना इस तरफ या उस तरफ, ठीक है? अगला शब्द काफी। काफी मतलब बहुत सारा, बहुत अधिक। काफी, ये कॉफी पीने वाली कॉफी नहीं, वो कॉफी होती है ना? ये काफी है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। आवाज। आवाज मतलब तो आप सभी जानते होंगे, है ना? वॉइस, इंग्लिश में जिसे जिसे हम वॉइस कहते हैं, ठीक है? अगला शब्द है जोर। जोर मतलब दम लगाना, जोर लगाना, ठीक है? जरा, जरा मतलब थोड़ा सा, जरा सा, थोड़ा सा, है ना? जहाज। जहाज सब जानते हैं, पानी का जहाज, हवा वाला जहाज, है ना? सब जानते हैं ना जहाज के बारे में। इसमें देखिए, पहला ज है और अगला ज है, जहाज, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा, दो ज है, दोनों अलग अलग हैं। फिर है जमीन। जमीन मतलब धरती, भूमि, ठीक है? तो ये नुक्ते वाले शब्द आपको समझ में आए? वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास में 2 प्रश्न दिए गए हैं,
अगर तुम शेर की तरह होती तो क्या करती? सोचिए जरा, क्या करते हम शेर की तरह होते तो? शेर की तरह ही होते तो ऐसे ही शेर की तरह डर जाते हम। हाँ, जंगल का राजा डर जाए तो क्या वो सही है, अच्छी बात है? फिर तो वो राजा कैसे कहलाएगा, है ना? आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। अगर मैं शेर की जगह होती तो बित्तों की बातों में कभी नहीं आती और कभी भी उनसे नहीं डरती, है ना? जो बित्तों ने किया वो बित्तों के हिसाब से सही था, पर जो शेर ने किया वो शेर के हिसाब से गलत था, क्योंकि वो शेर है, जंगल का राजा है, उसे डरना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अगर मैं शेर होती तो मैं बिल्कुल नहीं डरती और बित्तों की बातों में कभी ना आती। दूसरा प्रश्न, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अब ये जस्ट इसके अपोजिट प्रश्न है ना, कि अगर मैं बित्तो होती तो मैं क्या करती? तो भाई, बित्तो होती तो मैं बित्तो की तरह ही तो निपटती। मुझे तो अपनी गाय भी बचानी है, मुझे तो अपना बैल भी बचाना है, तो मैं तो कोई ना कोई तरकीब लड़ाती, कैसे ना कैसे मुझे उस शेर को भगाना था, तो वो तो मैं करती, भगाती। वही बित्तो ने किया, वही मैं करती। देखिए बित्तो ने क्या किया। अगर मैं बित्तो की जगह होती तो इसी तरह बहादुरी और सूझबूझ के साथ शेर से निपटती। ठीक है बच्चों, आपको उत्तर समझ में आया? ठीक है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अभ्यास है, पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, देखा ना आपने, बित्तों के हाथों में दराती, हसिया जैसा एक औजार था, वो देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजार के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो। अब बॉक्स में कौन से शब्द हैं देखें, ये पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी, ये शब्द दिए गए हैं। अब नीचे जो चित्र दिए गए हैं उनमें हमें इनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, सबसे पहला चित्र काय का है बताइए जरा, क्या ठोकते हैं हम इससे, इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसे कहते हैं हथौड़ी, है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा आपने। अब दूसरा चित्र है ग्रीन कलर का, इसमें हाथ से पकड़ने का लगाया हुआ है और सामने एक डंडी है, क्या है ये, इससे क्या करते हैं हम, देखिए जरा क्या है ये। हाँ जी, पेचकस, इससे हम पेच को कसते हैं, है ना, पेच को, स्क्रू को कसते हैं, इसे कहते हैं पेचकस। अब ये एक जो चित्र बना है इसमें भी एक हैंडल है और लोहे की पत्ती लगी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, देखें क्या करते हैं इसे, फिर जानेंगे। ये है खुरपी, इसे माली दादा इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं, जब हमें पेड़ों को लगाना होता है या पेड़ों की गुड़ाई करनी होती है। गुड़ाई मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, इसको गुड़ाई कहते हैं। जब हमें गुड़ाई करनी होती है या जब पेड़ लगाने होते हैं, नए बीज लगाने के लिए गड्ढा करना होता है, तो हम खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है, अगले में भी ऐसे पान के पत्ते के आकार की का लोहे का बना हुआ और एक लकड़ी का हैंडल है, इसे क्या कहते हैं देखें, ये है करनी। ठीक है, कन्नी भी कहते हैं इसे, करनी भी कहते हैं, कन्नी भी कहते हैं इसे। सीमेंट लगाने के लिए और सीमेंट को एक सा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने जो घर बनाते हैं ना उनके पास देखी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला चित्र है काय का है और इससे क्या करते हैं। अगला है आरी, बिल्कुल सही, आरी से हम लकड़ियों को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, है ना, पर पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए, है ना, लकड़ी को काटते हैं ये। इसको, इसका इस्तेमाल कौन करता है, बढ़ई करता है, कारपेंटर करता है। ठीक है, तो ये औजारों के नाम आपको
समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े, देखिए, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी तीन वाक्य बनाओ। ठीक है बच्चों, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, कुछ अपने दोस्तों के साथ आपकी या अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसी बातचीत हो जिसमें आप वरना शब्द का प्रयोग करें, तो उसके आपको तीन वाक्य बनाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बारिश में मत भीगो वरना बीमार हो जाओगे, दौड़ो मत वरना गिर जाओगे, और जानवरों को तंग मत करना वरना वे तुम्हें काट लेंगे। ठीक है, इस तरह के आप अपने वाक्य बना सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। कॉपी में वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तीन बार लिखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से नीचे लिखो। यहाँ पर दो कॉलम दिए हैं, एक में शेर लिखा है, एक में घोड़ा लिखा है, और इसमें कुछ विषय दिए हैं। उन विषयों के आधार पर हमें शेर और घोड़े में अंतर करना है। सबसे पहला विषय दिया है खाना। शेर का खाना क्या होता है और घोड़े का खाना क्या होता है? बच्चों आप तो जानते हैं, शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है ना, वो जानवरों को मार कर मांस खाता है। और घोड़ा, घोड़ा क्या खाता है पता है आपको? आइए देखते हैं क्या खाता है घोड़ा। पहले तो शेर, शेर मांस खाता है ना, घोड़ा क्या खाता है? यस, घोड़ा खाता है घास और चना। घोड़े को चने बहुत पसंद होते हैं, और आपको पता है चने से बहुत ताकत आती है, तभी तो हम किसी मशीन को पावर देना होती है तो हम उसको हॉर्स पावर देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि घोड़े में बहुत ताकत होती है और चना खाकर ताकत आती है। तो घोड़ा घास भी खाता है और चना भी खाता है। अब घर, शेर कहाँ रहता है और घोड़ा कहाँ रहता है? ठीक है, देखते हैं। शेर तो जंगल में रहता है, जंगल का राजा है भाई वो, है ना, और गुफा में भी रहता है, पर गुफा वो जंगल में ही होती है। ठीक है, जंगल में जो गुफा होती है वहां पर शेर रहता है। घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़े के घर को का क्या कहते हैं? अस्तबल। घोड़े के घर को अस्तबल कहते हैं। ठीक है, रंग, शेर का रंग कैसा होता है और घोड़े का रंग कैसा होता है? शेर का रंग होता है पीला, है ना, पीला शेर का रंग होता है, और घोड़े के कई रंग होते हैं। घोड़ा भूरा भी होता है, घोड़ा सफेद भी होता है, और घोड़ा काला भी होता है, और घोड़ा मिक्स भी होता है, काला सफेद भी हो सकता है, भूरा काला भी हो सकता है, भूरा सफेद भी हो सकता है, है ना, मिक्स भी हो सकता है। आदतें, शेर की आदत क्या होती है? शिकार करना, है ना। शेर अगर शिकार नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेगा, खाएगा कैसे? इसीलिए शेर की मुख्य आदत होती है शिकार करना। और घोड़े की आदत दौड़ना, सबसे तेज दौड़ता है घोड़ा, है ना, घोड़ा इसीलिए तो घोड़े पर सवारी करते हैं, दौड़ने की प्रतियोगिताएं होती है, घुड़दौड़, घुड़सवारी की प्रतियोगिताएं होती है, है ना, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और कभी थकता नहीं है। तो ये थी शेर और घोड़े में अंतर जो हमने नीचे देखे। आप इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा और जानिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। बच्चों नीचे तीन कॉलम बने हुए हैं, ठीक है, तीन तालिकाएं बनी हुई हैं। एक में लिखा है जानवर, एक का हेडिंग है चीजें, और तीसरे का हेडिंग है नाम।
ऊपर जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें जानवर छांटना है, चीजों के नाम कौन से हैं वो छांटना है, और नाम कौन से हैं वो छांटना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है किसान। किसान क्या है? एक नाम है, तो ये नाम की तालिका में जाएगा। ठीक है, बोतल। बोतल क्या है? एक चीज है ना, तो वो चीज के कॉलम में जाएगा। लता। लता भी लड़कियों का नाम होता है, तो नाम वाले कॉलम में जाएगा। कक्कू। कक्कू तो आपने कविता भी पढ़ी है ना, आपकी पहली नंबर की कविता है कक्कू, नाम है उसका कक्कू, है ना, तो कक्कू नाम के तालिका में जाएगा। केला। केला क्या है? खाने की चीज है ना, तो केला कहाँ जाएगा? चीज वाले कॉलम में। कलम। कलम मतलब पेन, है ना, तो वो कहाँ जाएगा? वो एक चीज है, चीज वाले कॉलम में जाएगा। राजू और रानू, ये दोनों ही नाम है, तो नाम वाले कॉलम में जाएंगे राजू और रानू। चूहा। चूहा क्या है? चूहा एक जानवर है, तो वो जानवर वाले कॉलम में लिखेंगे हम। नीना। नीना नाम होता है, तो नाम के कॉलम में जाएगा। शेर। शेर जानवर है, तो जानवर के कॉलम में जाएगा। जूता, चारपाई, पगड़ी, ये तीनों जो चीजें हैं, तीनों जो शब्द हैं, ये चीजें हैं, तो जूता, चारपाई और पगड़ी, ये तीनों चीजों के कॉलम में जाएगा। फिर है खरगोश। खरगोश एक तरह का जानवर है, तो जानवर के कॉलम में जाएगा। करेला। करेला एक सब्जी है, चीज है, तो करेला चीज के कॉलम में जाएगा। छलनी। छलनी भी, जिससे हम छानते हैं, है ना, कोई भी चीज हम छानते हैं तो वो एक चीज है, चीज के कॉलम में जाएगा। बित्तो। बित्तो तो नाम था, हमारे किसान की पत्नी का नाम था ना बित्तो, जिसने बहादुरी दिखाई, तो नाम के कॉलम में जाएगा वो। घोड़ा। गौरैया। घोड़ा और गौरैया, ये दोनों जानवरों के कॉलम में जाएगा। बाल्टी। बाल्टी एक चीज है, तो ये चीज के कॉलम में जाएगा। पीपल। पीपल पेड़ का नाम है, तो इसीलिए इसे हम नाम के कॉलम में लिखेंगे। कोयल। कोयल पक्षी है, तो इसे हम जानवरों के कॉलम में जाएंगे। नीम। नीम पेड़ का नाम है, तो नाम के कॉलम में। किताब और दराती, ये दोनों ही वस्तुएं हैं, तो इसे चीजों के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसे आपको किताब में ही करना है ना, किताब में ही इसको आपको अलग-अलग, आपकी स्वयं की किताब में इसको अलग-अलग कॉलम में लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते। तो यहाँ इस अभ्यास के साथ पाठ 5 बहादुर बित्तो के अभ्यास समाप्त हुआ। तो बहादुर बित्तो पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप बार बार पढ़िएगा, और इसके जो अभ्यास कॉपी में करने हैं वो कॉपी में करना है, और जो किताब में ही जगह खाली दी गई है उसमें आपको कंप्लीट करना है। फिर जब मिलेंगे ना, जब स्कूल खुलेंगे, जब हम मिलेंगे तो हम चेक करेंगे इसको। ठीक है ओके बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की कहानी जो है ये है मूस की मजदूरी। ठीक है, ये केवल एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए, आपके पढ़ने के लिए, ना लोक कथा है। जैसे अभी हमने बहादुर बित्तो पढ़ी थी, पंजाबी लोक कथा, वैसे अपने नाग लोक कथा है, नागालैंड की लोक कथा है। भारत के उत्तर में, उत्तर पूर्व में एक प्रदेश है नागालैंड, जहां की ये कथा है। ठीक है, तो देखें इस कथा में क्या है। तो मूस क्या होता है आपको पता है? मूस मतलब चूहे का ही एक प्रकार होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ये, है ना, इसका मुंह ऐसा सामने की तरफ निकला होता है, मतलब मूस मतलब एक प्रकार का चूहा ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको इस कहा ये कहानी को हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। धान से क्या होता है बच्चों आपको पता है?
धान से चावल के पौधे निकलते हैं, चावल निकलता है, पहले धान उगता है, उस धान को जब मसलते हैं तो उसमें से चावल निकलता है, पता है ना आपको। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के पा के बीच में देखा। पोखरी मतलब छोटा सा तालाब, ठीक है। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को, झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। आदमी ने मूस को बोला कि वो धान की बालियां मुझे लाकर अगर तुम दोगे तो तुम्हें मैं मेहनताना, मतलब मजदूरी है ना, काम करने के बदले में कुछ देना, इसको हम मेहनताना कहते हैं। मेहनत के बदले में दिया हुआ मेहनताना कहलाता है। मूस को भला क्या ऐतराज था, वह सर 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 तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। देखो, वो आदमी ईमानदार था। मूस ने मेहनत की तो उसने उसको छूट दे दी कि तुम्हें जितना चाहिए तुम अपनी मजदूरी खुद ले लो, है ना। उसने कोई उसके साथ धोखा दगा नहीं किया। पर मूस ने कहा, मेरे भाई, मैं तो ठहरा छोटा सा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर मैं कैसे ले जाऊंगा। इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा सा धान खा लिया करूंगा, है ना। भाई, मूस मूस ने भी सही बात कही। मूस तो इतना छोटा सा है, वो ले जाकर कितना कितनी बालियां ले जाता, दो चार, उन दो चार बालियों से क्या होता। तो उसने भी थोड़ी सी अकल लड़ाई और कहा कि तुम ये सारी बालियां ले जाओ, खेत में इसे लगा दो, जो चावल निकलेगा, जो धान से चावल निकलेगा, उसमें से थोड़ा सा चावल मुझे दे दिया करना, है ना। आदमी ने ऐसा ही किया। तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। अर्थात आपने देखा होगा कि जो भंडार गृह होते हैं, जहाँ चावल दाल और गेहूं जो भर के रखा जाता है, वहां अक्सर देखा जाता है वहां खूब चूहे होते हैं, क्योंकि वो चूहे वो अन्न थोड़ा थोड़ा खाते हैं, अन्न के दाने खाते हैं, है ना। तो ये थी कहानी मूस की मजदूरी। इस तरह मूस को मजदूरी मिली और वो आज तक अपनी मजदूरी का चावल धान खाता आ रहा है। ये छोटी सी कहानी थी आपके मनोरंजन के लिए, आपको सीखने के लिए, आपको पढ़ने के लिए। इसमें आपको कोई अभ्यास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई अभ्यास नहीं दिया, बस एक काम करना है, इसको एक पेज आपको राइटिंग करना है, ठीक है। आपको सुलेख लिखना है, खूब सुंदर शब्दों में ये कहानी अपनी कॉपी का एक पेज आपको लिखना है, ठीक है। बच्चों, करेंगे ना, इतना काम करेंगे ना, सारे आपके बहादुर बित्तों के अभ्यास होने के बाद आपको मूस की मजदूरी कहानी का एक पेज, जहां एक पेज में जहां कहानी खत्म हो जाए वहां छोड़ दीजिएगा, ठीक है। केवल एक पेज लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। आज आज की कक्षा में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। अब अगली अगली कक्षा में हम नया पाठ शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, है ना। तब तक आप जो अब तक पढ़ाया है उसका बार बार रिवीजन करना और उसको पढ़ना। कॉपी में जो करना है अभ्यास उसको कॉपी में करके रखना, और जो किताब में करना है उन्हें किताब में करना, ठीक है बच्चों। साई राम।